हम आपको लगातार बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्विटर को लिखी गई चिट्ठी के बारे में, जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरीके से माना जाएगा। मंत्रियों के खिलाफ मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने टूलकिट मामले में इन सभी मंत्रियों के ट्वीट को ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजकर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच टीम सोमवार शाम को ट्विटर इंडिया के दो ऑफिस में पहुंची थी जांच और पूछताछ के लिए, लेकिन पुलिस की जांच टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था और वहां पर पुलिस को कोई नहीं मिला था। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें किन मंत्रियों के नाम हैं, जिन मंत्रियों की लिस्ट ट्विटर को भेजी गई है आपको ये भी बता देते हैं। उनमें पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। तो मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया डिक्लेयर करने की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है ट्विटर से, और साथ ही कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी भी अब हम आपको दिखाएंगे जिसे ट्विटर के लीगल सेल को या लीगल टीम को या लीगल डिपार्टमेंट को भेजा गया है। साफ तौर पर इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी हम आपको वर्ड बाय वर्ड अब दिखा रहे हैं। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया जाए। एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देती हूँ, गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का लेटर जिसके बारे में आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह ट्विटर इंडिया से शिकायत की गई है केंद्र सरकार में मंत्रियों की, और जो मंत्री जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई है, जिनके लिए मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाने की बात की गई है, उसमें पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ। रवि, जिस तरीके से शिकायत लेकर ट्विटर इंडिया के पास पहुंची है कांग्रेस पार्टी और साफ तौर पर मंत्रियों के नाम लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है, कांग्रेस पार्टी की सोच इसके पीछे क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज आखिरी दिन, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे लग रहा है जैसे ट्विटर के बचाव में और इसलिए इस पूरे मामले को तूल देते हुए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो टूल किट का मामला था उस मामले में कांग्रेस पार्टी फंसती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के ये सोची समझी चाल थी और साजिश थी, साजिश के तहत इस टूल किट तैयार किया गया था। भारत को बदनाम करने की पूरी का एक पूरा फॉर्मूला था, पूरा एक किट था वो, जिसमें भारत को किस तरह से बदनाम किया जाए। कोरोना के इस दूसरे दौर में इस तरह से सरकार विफल रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और सरकार को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करना, खासतौर पे कोरोना वायरस को जो है इंडियन उसको वो बताना कि कहीं ना कहीं इंडियन ने ये कोरोना है, इंडिया से निकल कर जा रहा है कोरोना, तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से घेरा था, उसके बाद कांग्रेस फंसती नजर आ रही थी। कांग्रेस ने पहले दिन FIR दर्ज कराने की बात की थी दिल्ली में, तमाम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट जाने की हो रही थी, लेकिन कांग्रेस यहां नहीं जाकर छत्तीसगढ़ में केस दर्ज कराया जाता है, कांग्रेस के एक दूसरे विंग की तरफ से केस दर्ज कराया जाता है। लेकिन जब ट्विटर की तरफ से उनको ये सपोर्ट मिलता है कि ट्विटर जो है संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देता है, उसके बाद से कांग्रेस को सबल मिलता है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है कि कांग्रेस ने जो कांग्रेस के साथ गलत किया गया है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ टूल किट तैयार नहीं किया था, तो कांग्रेस उस चीज को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को जो धब्बा लग रहा था कांग्रेस पर जो धब्बा लग रहा था देश को बदनाम करने का, उससे निकलने की कोशिश है एक तरह से कहा जाए इसको, और इस कोशिश के तहत वो ट्विटर उनका इस्तेमाल कर रहा है और वो ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार, हालांकि उनके खिलाफ सरकार नोटिस जारी किए हुए हैं और सरकार के जो कानून मंत्री है खासतौर पर जिनकी तरफ से नोटिस गया हुआ ट्विटर को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि उस ट्वीट को आप देखें तो जिस तरह से जो टूल किट का मामला था उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम मंत्रियों ने उसको ट्वीट किया था। अब गजेंद्र सिंह शेखावत हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, तमाम मंत्रियों ने, पीयूष गोयल हो, 11 मंत्रियों की लिस्ट दी गई है और 11 मंत्रियों का ट्वीट भी दिया गया उनको, जो ट्वीट उन्होंने किया था उसका भी हवाला देकर चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि इनके जो ट्विटर अकाउंट है जो इन्होंने जो ट्वीट किया था उसको भी मैनिपुलेटेड करार दिया जाए ताकि बदनामी हो, मतलब सरकार की बदनामी करना और अपने आप को बचाव करना, दो तरीका है।
क्योंकि जिस तरह से टूल किट मामले में लगातार बीजेपी लीड ले रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस की जिस लड़की ने उस टूल किट को तैयार किया था उसने कांग्रेस उस दिन तमाम प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, तमाम उसको एक तरह से कांग्रेस के जो विंग था उसने छोड़ा था, उसने रिसर्च डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था। तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर होगी, लेकिन जैसे ही ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड करार दिया उसके बाद से कांग्रेस को बल मिला और कांग्रेस अब उस मामले में आगे बढ़कर ये बताना चाहती है कि सरकार बैकफुट पर है और सरकार के मंत्रियों ने गलती की है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और सरकार की तरफ से जानबूझकर मैनिपुलेटेड ही सब सारा कुछ किया गया है ताकि जनता में ये मैसेज जाए। देखिए दोनों को जनता में मैसेज देना है, सरकार को भी जनता में मैसेज देना था, इससे जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कोरोना के दौर में जनता मर रही है, जनता को परेशानी है, जनता को इन ट्विटर से टूल किट से ना कोई लेना देना है ना बाकी चीजों से लेना देना है। लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है, सरकार को लगता है कि इससे दुनिया में आपकी बदनामी कराई जा रही है, एक परसेप्शन आपका खराब करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस की जब बदनामी हुई तो कांग्रेस अपनी बदनामी से बचने के लिए अब ये सारे अख्तियार ये रुख अख्तियार कर रही है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखना, FIR दर्ज कराना छत्तीसगढ़ में जाकर, ताकि उस पर यह ठप्पा न लगे कि वो देशद्रोही है या वो देश को बदनाम करने की साजिश रचती है। क्या हमारे पास ट्विटर की तरफ से कोई रिएक्शन है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनके सपोर्ट में एक तरह से कहा जाए उनको एक सबल मिला है, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर ने वो कार्रवाई की है डॉक्टर संबित पात्रा के खिलाफ, हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन ले रही है, सरकार की तरफ से ट्विटर को नोटिस भी दिया गया, लेकिन जो देखा गया है कि यहाँ भी जिस दफ्तर में जहाँ नोटिस देने के लिए पुलिस के अधिकारी जाते हैं तो वहाँ दफ्तर में कोई नहीं मिलता, दिल्ली का जो उनका ट्विटर इंडिया का दफ्तर है, तो ये कहीं ना कहीं एक चाल भी हो सकती है। और देखिए कई सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया को लेकर है और ट्विटर को लेकर कई सारी बातें कही जाती है कि जिससे ट्विटर एक तरफा कार्रवाई कभी कई बार करता है बीजेपी के लोगों के खिलाफ चाहे उन तमाम नेताओं के खिलाफ, तो उसमें कई बार लगता है कि ट्विटर वाकई क्या किसी और के कहने पर काम करता है, कार्रवाई करता है, सरकार की तरफ से लगातार उसको नोटिस भेजा गया है, उसको कहा गया है कि आप भारत के मामले में इस तरह से दखल अंदाजी ना करें, भारत के मामले में कम से कम आप सावधान होकर चले, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर का जो रुख रहा है अभी तक वो एंटी गवर्नमेंट रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ट्विटर भी अपोजिशन जो है उसको उसका एक मोहरा बनता है और अपोजिशन उसको मोहरा बना के अपनी चाल चलता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्विटर पे जिस तरह से चीजों को ट्रेंड कराया जाता है, आप देखते हैं सरकार के खिलाफ चीजों को ट्रेंड कराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्विटर बार बार बीजेपी और सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं टैग करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो ट्विटर पर सरकार का भरोसा कम है। सरकार हालांकि सरकार उनकी और कार्रवाई कर रहे हैं, कई बार उनको नोटिस देकर उनको बुलाया गया है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने बुलाया गया है ट्विटर के अधिकारियों को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ट्विटर कहीं ना कहीं सरकार के कब्जे में नहीं आ पा रहा, सरकार सरकार के कंट्रोल में नहीं है खासतौर पर। और रवि आप हमारे साथ रहिए, अपने दर्शकों को बताते हैं ये खींचतान एक और वजह हो सकती है जिसके चलते ये तेज हो रही है, लेकिन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तमाम सोशल साइट्स जिनसे आप वाकिफ होंगे और इनमें से कई पर आपके अकाउंट्स भी होंगे, आप अपनों से कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल भी करते होंगे, तो भारत के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन चुके हैं सोशल मीडिया साइट्स, लेकिन कल से ये सभी सोशल मीडिया साइट्स बंद हो सकते हैं। देश में इस बात की चर्चा जोरों पर है। अब आपको ये बताते हैं चर्चा हो क्यों रही है, ये सवाल उठ क्यों रहा है, तो देश के कई वर्ग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया निरंकुश हो रहा है। इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों और निगरानी के लिए भारत में ऑफिसर्स को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन भारत की सोशल मीडिया कंपनी कू को छोड़ दें तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। 25 फरवरी 2021 को दिए गए निर्देशों की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई कर सकती है। पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं वो आप सुने, उसके बाद एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 डेज, दैट इज वेरी क्लियर। Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. So, agar koi significant social media intermediary
रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द और डिसेबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजंस एंड ऑल्सो हियर हिम। ये हमने एक प्रोविजन रखा है मित्रों। ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है, वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें। विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 मंथ्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 25 फरवरी जब सरकार ने निर्णय लिया कि गाइडलाइंस बनाई जाएंगी और कई अधिकारियों की नियुक्ति इन सोशल मीडिया साइट्स को करनी होगी ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए और शिकायतों को एड्रेस करने के लिए, तो क्या उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया था, क्या रीजनिंग रही सरकार की इन गाइडलाइंस के पीछे, वो आपने अभी सुना। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, यहाँ पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिहाज से ये खबर काफ़ी अहम है, क्योंकि जिन सोशल मीडिया साइट्स की बात हम कर रहे हैं, जिन बड़ी टेक कंपनियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रही हैं, उनके करोड़ों यूजर्स भारत में हैं। सरकार क्या कह रही है? आज ये मियाद खत्म हो रही है इन गाइडलाइंस को फॉलो करने की। सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है जो इम्यूनिटी भारत सरकार द्वारा दी जाती थी, जिसके तहत आप इन सोशल मीडिया साइट्स को सू नहीं कर पाते थे, सिर्फ वो व्यक्ति जिसका कॉमेंट होता था उसी के खिलाफ एक्शन होता था, अब वो इम्यूनिटी हटाने की सरकार तैयारी कर रही है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, खास तौर पे बात यह है कि जिस तरह से ट्विटर इंडिया चाहे बाकी सोशल साइट्स हैं, वो अपने कार्रवाई करते हैं, चाहे एक्शन लेते हैं और एक तरफा एक्शन लेते हैं। आप कंगना रनौत का केस भी देख सकते हैं, जिसमें कंगना रनौत के अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया गया, और ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसकी वजह नहीं बताते हैं, उसकी वजह उनको पता नहीं चलता, और कब किसका अकाउंट बंद कर देना है, कब किसका अकाउंट ओपन कर देना है, कब किसको मैनिपुलेटेड करार देना है, ये तमाम सारी चीजें उनके विशेषाधिकार में है। और खासतौर पर चूंकि यही दिक्कत थी कि इससे पहले भारत के सरकार में या भारत में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई आपने गाइडलाइंस नहीं तैयार किया था कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, प्रिंट मीडिया अगर कोई ऐसी गलती करता है। माफी के साथ फेसबुक की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जवाब आया है, अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। फेसबुक ये कह रहा है कि वो आईटी के नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत उसकी जारी रहेगी। फेसबुक ने यह भी कहा कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आज़ादी से और सुरक्षित तरीके से अपनी बात फेसबुक के माध्यम से कह सकें। ये सफाई है फेसबुक की, फेसबुक का जवाब है जो हम इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी रवि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप देखते हैं हाल चुनाव में, देखिए तमाम इशूज पर, जैसे कोरोना का इशू है तब होता है, तमाम और बड़े मामले पर, तो वैसी स्थिति में वो कई सारी ऐसी चीजें करते हैं, चाहे कोई उनके सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं कई बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा होता है, कई बार हम और आप भी सोशल मीडिया से उन खबरों को लेकर चलाते हैं चीजों को, तो और उनके खिलाफ अगर वो गलत होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाए, इसका कोई प्रावधान सरकार के पास था नहीं, कोई गाइडलाइंस थी नहीं, तो कहीं एक गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा था, सरकार ने उस गाइडलाइन को बनाया है और सरकार ने तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे, लेकिन रवि एक और सवाल जो सरकार के क्रिटिक्स लगातार उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उस पर सरकार की क्या दलील है? नहीं, देखिए, सरकार ने बार बार कहा है कि हम कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो इसके जो दुष्परिणाम है, खासतौर पर मैंने आपको कहा ना कि जैसे हम लोग टीवी में हैं, काम करते हैं, अगर हमारे तरफ से कोई गलती होती है, टीवी में कोई गलती होती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, आपको माफीनामा देना पड़ता है, आपको सारी चीजें अपने क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। इसी तरह से आप प्रिंट मीडिया के लोग अगर कोई गलती खबर चलाते हैं, कोई गलत खबर लगाते हैं, तो उनको अपना क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है, बाकायदे अखबार में छापना पड़ता है, लेकिन ऐसी चीजें प्रावधान न ट्विटर के लिए है, न फेसबुक के लिए है, न इंस्टाग्राम के लिए, न टेलीग्राम, तमाम सारे जो सोशल साइट्स के लिए, तो अब कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस बना और इस गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा, जिनको इस देश में काम करना है, चाहे ट्विटर इंडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे तमाम हो, जिसको अगर भारत में काम करना है तो भारत के सरकार के बनाए हुए दिशा निर्देशों को, चाहे गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा, और नहीं मानना पड़ेगा तो उनको देश से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं कि सरकार किस तरह का एक्शन ले सकती है। सरकार ने कहा है कि उनके पास तमाम तरह के पावर है इनको यहाँ से बंद करने का, इनसे हटाने का, निकालने का, लेकिन सरकार भी मौका देगी
गाइडलाइंस पर उनकी प्रतिक्रिया जाने की, प्रतिक्रिया जाने के बाद उनको एक नोटिस देना, एक प्रोसेस होता है कहती, तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं इसमें हड़बड़ी नहीं दिखाकर सरकार एक उनको चांस देगी, एक मौका देगी कि वो जाने समझे इन चीज़ों को, पूरे गाइडलाइंस को पढ़ें और उसके बाद उस खासतौर पर सरकार के जो बातें हैं उस पर अमल करेंगे। जैसे आपने देखा कि फेसबुक ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वैसे ट्विटर से भी उम्मीद की जाती है कि ट्विटर भी अपनी प्रतिक्रिया दे और बताए कि उनके पास क्या है उस सरकार की गाइडलाइंस को लेकर, वो किस तरह से फॉलो करेंगे और क्या उनका कहना है। कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि सबको ये सब तक ये चीजें पहुंचे और सब अपनी राय दें कि वो चाहते क्या, और उनको ये मानना पड़ेगा सरकार के गाइडलाइंस जो है वो ऐसा नहीं है कि एडवाइजरी है, ये मैंडेटरी है, ये आपको फॉलो ही करना है, जब करना है। लेकिन ये है कि इसमें हो सकता है कुछ चीजें सरकार के साथ बैठकर बातचीत करके सुलझाएं, उनको भी कुछ लगता है कि दिक्कतें हैं, कुछ गलती है, तो उसमें बातचीत की जा सकती है, बातचीत होती है और बातचीत हुई भी है तमाम सारे, हमने आपको बताया कि कई सारे स्टैंडिंग कमेटी में तमाम और उसी बातचीत का जिक्र फेसबुक ने अपने जवाब में किया है। रवि त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।